कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कहूँ, जीवन में यह मोर कहाँ से आ गया। बांस घाट पर ये सवाल किशनगंज डीएम महेंद्र कुमार के मन में बार बार उमड़ रहे थे। डॉक्टर स्निग्धा के अंतिम संस्कार के वक्त बांस घाट पर उदास मन से वो भी पहुंचे। उनके साथ कुछ आईएएस अधिकारी भी थे। महेंद्र की ओर देखते हुए उनके आईएएस मित्र कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उनके मुंह से बरवश ही निकल पड़ा, हे भगवान, मेरे जीवन में यह मोर कैसा आ गया जिसके साथ कल जीवन के साथ फेरे लेने थे। यह क्या हो गया, किसे कहूँ और क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कफन में लिपटी डॉक्टर स्निग्धा के शव को देखकर महेंद्र की आंखें नम हो गई। वो एक घंटे तक वहां रुके, फिर चले गए। बांस घाट पर दोनों परिवारों के लोग मौजूद रहे। जैसे ही 5 बजे स्निग्धा को उसके चचेरे भाई ने मुखाग्नि दी, रिश्तेदारों की आंखें नम हो गई। महेंद्र के बैचमेट आईएएस अधिकारी उन्हें ढांढस बढ़ा रहे थे। उनके मित्रों का कहना था कि शनिवार को ही महेंद्र के तिलक में काफी उत्साह से हम लोगों ने शिरकत की थी। ऐसा सोचा भी नहीं था कि दूसरे दिन एक ऐसे कार्यक्रम में भाग लेंगे जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। किशनगंज डीएम की करीबी एक आईएएस अफसर बताते हैं कि मैं दोनों परिवार को लंबे समय से जानता हूं। कल भूतनाथ रोड में तिलक में भाग लिया था। सोमवार को बारात जाने की तैयारी कर रहा था। डॉक्टर स्निग्धा की आत्महत्या मामले में कोतावली थाने में यूडी केस दर्ज किया जाएगा। इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जल्द ही पुलिस मंगवा लेगी। हाई प्रोफाइल मामले को देखते हुए पुलिस हर पहलुओं पर पड़ताल कर रही है। डॉक्टर के मोबाइल की पड़ताल जारी है। पुलिस यह पड़ताल करेगी कि आखिरी बार किन किन लोगों से डॉक्टर ने बात की थी। अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की पड़ताल भी पुलिस कर रही है। फुटेज और चालक के बयान की जांच की जा रही है।